सरगोधा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें खुर्द बुर्द करने वाली म्यूनिसिपल कमेटी कंदिया के एक ग्रेड 17 जबकि दो ग्रेड 16 के अफसरान को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक आसमा एजाज चीमा रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा को हमीद गुल वर्द बशीर गुल अखिलेती कौंसलर टाउन कमेटी कंदिया ने दरख्वास्त गुजारी की जुलाई 2021 में 20 सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें गैर कानूनी तौर पर रजा मोहम्मद 8 सैनिटरी सुपरवाइजर ने म्यूनिसिपल कमेटी कंदिया के अफसरान और अहलकारान की मिली भगत से वसूल की है, जिनमें से सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाह मबलग 1,17,000 रुपए इन सैनिटरी वर्कर्स को दे दी थी, जबकि बाकी 12 सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें अफसरान और अहलकारान की मिली भगत से खुद खुद बुद्ध लिए हैं, जिससे खजाना सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा ने इब्तदाई इंक्वायरी की, जिसमें इल्जाम साबित होने पर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 2022/5 थाना एंटी करप्शन मियांवाली में दर्ज करने के अहकाम दिए और मुकदमा की तफ्तीश अदनान हैदर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मियांवाली के सपुर्द की। मुकदमा की तफ्तीश के दौरान तमाम रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन की, मुलजमान और दीगर के बयान कलमबंद किए गए, जिससे मालूम हुआ है कि 20 डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें 3,49,960 रुपए खजाना सरकार से निकलवाए गए, जिसमें से 1,21,100 रुपए तकसीम किए गए, जबकि बाकी रकम 2,28,860 रुपए मुलजमान ने खुर्द बुर्द कर लिए। तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी अफसर ने मुजाज अथॉरिटी के हुक्म पर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी कंदिया मनीर अहमद जाफरी, चीफ ऑफिसर हामिद रजा और शाह अहमद म्यूनिसिपल अफसर फाइनेंस को तनख्वाहें खजाना सरकार से बरामद करके खुर्द बुर्द करने पर गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा की तफ्तीश के दौरान खुर्द बुर्द की गई रकम 2,28,860 रुपए एंटी करप्शन सरगोधा ने रिकवर करके खजाना सरकार में जमा करवा दी है। मुकदमा की मजीद तफ्तीश जारी है।